down your knee. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू इनविंसिबल राठौर। जो गाड़ी मेरे सामने खड़ी है वो है सबकी फेवरेट टोयोटा फॉर्च्यूनर। ये है इसका 2016 का मॉडल एंड ये इसका डीजल वेरिएंट है। इट हैज़ अ 3 लीटर इंजन एंड इट्स आल्सो 4 व्हील ड्राइव। इस गाड़ी का वीडियो बनाने का पर्पस ये, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये ओल्ड मॉडल है। ओल्ड मॉडल तो है, लेकिन मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो जो नया मॉडल आया है 2022-23 का, उसके कंपैरिजन में मुझे इसका जो लुक है वो ज़्यादा बेटर लगता है और ज़्यादा बोल्ड भी लगता है। मतलब इस गाड़ी का जो ओवरऑल स्टांस है, जो इसकी मस्कुलैरिटी है, लाइक दैट इज़ जस्ट सिंपली अमेजिंग। एंड आप देख सकते हैं ये गाड़ी लिटरली कितनी बड़ी लग रही है। जो मेरे पास दूसरी गाड़ी यहाँ पे है जो सेल्फ ओन्ड है, वो है मेरी अल्कज़ार, और मेरे को ये साइज़ में मतलब काफ़ी बड़ी लगती है। लेकिन व्हेन आई कंपेयर दिस टू द टोयोटा फॉर्च्यूनर, देन लाइक यू एक्चुअली कम टू नो हु इज़ द रियल बिग डैडी है। सो जस्ट लुक एट द फ्रंट लुक ऑफ द कार की कितना इम्प्रेसिव है, कितना डोमिनेटिंग है। और तभी आई थिंक मोस्ट पॉलिटिशियंस इस गाड़ी को यूज़ करते हैं, बिकॉज लिटरली जो इसकी जो प्रेजेंस है दैट इज़ जस्ट सिंपली अमेजिंग। सो स्टार्ट करते हैं विद द रिव्यू ऑफ दिस कार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका फ्रंट लुक है एंड ये आप इसकी ग्रिल देख सकते हैं पुरानी वाली फॉर्च्यूनर की। इट यूज़ टू लुक स्लाइटली लाइक इनोवा, बट ऑफकोर्स इनोवा से तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बेटर है हर चीज़ में, यू नो, इन टर्म्स ऑफ द रोड प्रेजेंस, इन टर्म्स ऑफ द ड्राइवेबिलिटी, एवरीथिंग। एंड ये यहाँ पे आपको ये दिख रहा है इसका ब्लाइंड स्पॉट मेरा। ये जो होता है ये कंपनी फिटेड आप मतलब लगवा सकते हैं एक्स्ट्रा चार्ज देके, लेकिन आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें पहले से नहीं लगा होता, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। बहुत लोगों को शायद ये पता नहीं है। एंड उसके बाद ये जो इसका बोनेट पे लुक है, ये न्यू वाली फॉर्च्यूनर्स में नहीं है एंड सच्ची में वो इसको काफ़ी ज़्यादा एक मतलब बैडास लुक प्रोवाइड करता है। बट जो न्यू वाली फॉर्च्यूनर आ रही है उसमें फॉर सम रीज़न दे आर नॉट गिविंग दिस। आई थिंक दे शुड यू नो रीस्टार्ट यू नो मेकिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द कार, इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव लुकिंग। उसके बाद आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल में आए तो कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी। ये हो गया इसका ORBM और इसके ओनर ने इस पर काला टेंट भी चढ़ा रखा है, उससे गाड़ी और बैडास लग रही है। ये है साइड प्रोफाइल। इसमें आपके आते हैं 18 इंच के अलॉय व्हील्स एंड जो मेरी वो खड़ी है अल्कज़ार उसमें भी 18 इंच के आते हैं, बट फॉर सम रीज़न इसके व्हील्स मुझे थोड़े और ज़्यादा मैसिव लग रहे हैं। एंड बिकॉज ओवरऑल गाड़ी का स्टांस ही थोड़ा ज़्यादा मतलब यू नो इट्स टॉलर एंड ऑल। सो ये हो गया इसका साइड प्रोफाइल। एंड आफ्टर द साइड प्रोफाइल वी मूव टू द बैक प्रोफाइल। अगेन ये वाली जो फॉर्च्यूनर है 2016 के मॉडल वाली, इसकी मुझे बैक प्रोफाइल जो है वो काफ़ी मस्कुलर लगती है एज़ कम्पेयर टू द न्यू फॉर्च्यूनर। एंड इसका ये वाला जो रेयर वाइपर है वो टूटा हुआ है, बिकॉज ऑफकोर्स गाड़ी थोड़ी पुरानी है, 2-3 साल पुरानी, 4-5 साल पुरानी। तो बाकी ये कंपनी फिटेड नहीं है, ये तो लगवाया गया है। एंड ये इसका बैक लुक देख सकते हैं, काफ़ी इम्प्रेसिव है। उसके बाद ऊपर रूफ रेल्स भी लगे हुए हैं। राइट नाउ लेट्स मूव इनसाइड द कार। सो इसमें जो कीज़ है, मैं आपको इसकी कीज़ दिखा देता हूँ अगेन, बिकॉज ये थोड़ा पुराना मॉडल है, दैट इज़ वाई काफ़ी इसमें मैनुअली चीज़ों को बेसिकली यू नो करना पड़ता है। जो अपनी हुंडई अल्काज़ार है, बाकी जो मॉडर्न गाड़ियाँ हैं उसमें तो यू हैव बटन स्टार्ट, बट इसमें इसी की से स्टार्ट होता है। ये लॉक अनलॉक का बटन है। सो आई अनलॉक दिस। So of course you know the ORBM flashed. Now I'll move inside the car. So they have given a sidestep and that is actually required in this because this car is quite tall. So I'll move inside. मैं तो थोड़ा लंबा चौड़ा हूँ तो मुझे sidestep की ज़रूरत नहीं है. So this is the interior of the car of a classic Fortuner, and if, you know you can see the steering wheel with the you know brilliant Toyota sign here, and you know there is a small infotainment system also here, and it also has a reverse camera. While I was reversing I had noticed it. And yaar but ek cheez to hai, matlab is gaadi ka hype aise hi nahi hai yaar, matlab isme baith ke na the feeling which I am getting is actually grand. Ho sakta hai ki life mein kisi ne kuch grand na kiya ho, but is gaadi ko wo chalaye to usko lagega wo dabang hai, क्योंकि मेरे सामने मेरी अल्कज़ार खड़ी है, ठीक है। एंड
जनरली देखो अल्काज़ार भी ऊंची गाड़ी है एक, ठीक है, और किसी और हैचबैक से उसको ड्राइव करो तो काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग फील होती है, मतलब दूर से देखो तो बड़ी लगती है, बट वाइल सिटिंग इन द फॉर्चूनर व्हेन आई एम लुकिंग एट द अल्काज़ार लाइक इट्स लुकिंग वेरी इट्स लुकिंग स्लाइटली स्मॉलर कम्पेयर टू इट, ऑफ कोर्स इट्स स्मॉलर ऑल्सो, बट वही है इसका जो बोनेट वोनेट दिखता है, जो इसका ये दिखता है आपको ब्लाइंड स्पॉट मेरा, इसकी वजह से भी इसका लुक इतना ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, लाइक इट्स वेरी इंप्रेसिव। एंड फर्दर ऑन जो इसके फीचर्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स ओपन दिस फॉर बिट ऑफ सर्कुलेशन। हाँ, ये इसके आपके विंडो है और आप देख सकते हैं ये उसके बटन्स हैं विंडोज़ को कंट्रोल करने के लिए, ये लॉक है ताकि जो पीछे वाले वो शरारती बच्चे हो विंडो ना खोल पाएँ। एंड उसके बाद यू हैव दी लाइट कंट्रोल्स राइट है, एंड ऑफ कोर्स द स्टीयरिंग व्हील, द गियर बॉक्स, एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज़ फोर व्हील ड्राइव सो अगेन दी एच एल एन एल एल एन यू नो एच ऑप्शंस आ दे। ऑफकोर्स इस गियर पे कोई मार्किंग्स नहीं है बिकॉज ये थोड़ा सा फटा हुआ है, बट जिसको एक मैनुअल गाड़ी चलानी आती है, मुझे भी आती है, वो ऑफकोर्स समझ जाएगा 1 2 क्या क्या कंट्रोल्स हैं, वो तो क्लियर है ही। ये हो गया इसका हैंड ब्रेक जो कि काफ़ी बड़ा सा है, ये इसमें साइड में बेसिकली यू हैव दिस पर्टिकुलर एरिया वेयर यू कैन कीप योर स्टफ, यू कैन कीप योर फोन, यू कैन कीप अ वाटर बॉटल, इट्स वेरी डीप। और इन बंदे ने यहाँ ग्लास रखा हुआ है, मतलब थोड़ा इनका सिस्टम चलता होगा गाड़ी में, एंड ये काफ़ी डीप है, इसमें आप काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। सो दिस इज़ योर द आर्म रेस्ट, एंड आफ्टर दिस यू कैन सी दैट द सीट कवर्स एंड ऑल दे ऑल्सो लुक क्वाइट प्रीमियम। हाँ, एक चीज़ है कि फॉर अ 40-50 लाख कार, ऑफकोर्स नाउ दिस इज़ द ओल्ड मॉडल, इसको आप खरीदेंगे सेकेंड हैंड मार्केट में तो शायद आपको ये लाइक 16-17 लाख का पड़ जाए, या शायद 12-13 का भी मिल जाएगा अगर और थोड़ा यू नो पुराना मॉडल हो, बट ओवरऑल जो डैशबोर्ड का सीन है यहाँ पे जो लुक है वो इतना भी ज़्यादा मतलब प्रीमियम नहीं है, लाइक यू नो अगर आप क्रेटा वेटा देखो तो वो थोड़ी सस्ती गाड़ियाँ, बट उनका डैशबोर्ड और उनकी फिट एंड फिनिश मुझे और प्रीमियम लगी एज़ कम्पेयर टू द टोयोटा फॉर्चूनर। एंड ये आप देख सकते हो, ये इसके एसी के कंट्रोल्स हैं, अगेन जो बिकॉज ये गाड़ी थोड़ा सा मतलब 4-5 साल पुराना मॉडल है तो ओवरऑल आप जो लुक देखो थोड़ा इसका ओल्ड टाइप का है, मतलब आजकल वही है कि सब कुछ यू नो लाइक एवरीवेयर देर इज़ अ यू नो लेदर फिनिश, बट हेयर यू हैव यू नो हार्ड प्लास्टिक फिनिश हेयर, बट इट्स क्वाइट गुड, इट्स क्वाइट गुड लुकिंग। यू ऑल्सो हैव हैंडल्स हेयर टू गेट इन एंड गेट आउट, अगेन जिनकी हाइट थोड़ी कम है दे कैन यूज़ इट। एंड ये हो गया इसका आपका फ्रंट का मामला, मैंने पूरा आपको दिखा दिया है, ऑल राइट। एंड ये भी इसके कंट्रोल्स हैं रेयर कूल वगैरह एसी कंट्रोल्स एंड ऑल। सो विद दैट आई थिंक वी हैव फिनिश्ड द फ्रंट, दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ दिस कार, सो नाउ लेट्स मूव टू द रेयर सीट। चलिए अब हमने फ्रंट का पार्ट देख लिया है, अब खोलते हैं इसकी रेयर सीट्स, सो आई जस्ट क्लोज दिस एंड आई मूव टू द रेयर नाउ, देखते हैं कि यहाँ पे कंफर्ट वगैरह इसका कैसा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन साइड स्टेप काफ़ी लंबा है एंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड आई स्ट्रेट ऑफ गेट इन है, क्या इसमें कंफर्ट है बैठने का, इतना हाइप है फॉर्चूनर का, आज देखते हैं भी किस लिए है ये हाइप। तो मैं इसकी रेयर सीट पे आ गया हूँ, रेयर सीट मैंने ड्राइवर सीट एक्चुअली अपने हिसाब से पीछे कर रखी है तो इसलिए मेरा जो लेग्स हैं ऑलमोस्ट यहाँ तक आ रहे हैं, बट हाँ इसकी रेयर सीट कम्फर्टेबल तो है, बट आई वुड से दैट इनोवा जो है ना वो एक MPV है और उसमें मैं बैठा हूँ, उसकी रेयर सीट मुझे और कम्फर्टेबल लगी। अगेन वही है कि ये थोड़ी दबंगों वाली गाड़ी है तो दबंग लोगों को कंफर्ट कहाँ चाहिए, राइट, उनको तो बस मस्ती काटनी है और दबंगाई करनी है। एंड इसकी रेयर सीट है, आई थिंक 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, मैं तो काफ़ी हेल्दी सा आदमी हूँ, राइट, बट 3 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे लग रही है वो है हेडरूम, इसका हेडरूम बहुत मुझे कम लग रहा है, एंड इसमें कोई कंट्रोल भी नहीं है सीट को ऊपर नीचे करने का, सो लाइक जब मैं बीच में यहाँ पे बैठ रहा हूँ इस एरिया में तो मेरा सर जो है वो ऊपर लग रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊँ एक सेकेंड तो आप देख सकते हैं कि मैं इसके अभी बीच में बैठा हूँ और बीच में बैठ के मेरा जो सर है वो ऊपर टच हो रहा है, तो इतनी बड़ी गाड़ी है और इतनी प्रीमियम है तो ये क्यों टच हो रहा है यहाँ, तो मेरी हाइट तो लगभग 6 फुट है, इतनी है भी नहीं, बट ठीक है, अगेन मैंने कहा कि दबंगों की गाड़ी है तो ऐसे ही होती होगी, बट हाँ साइड वाली सीट में जब मैं बैठता हूँ तो इतना टच नहीं होता, अब नहीं हो रहा, आई थिंक बीच में ही हो रहा है, अब नहीं हो रहा, अब ठीक है, नाउ इट्स क्वाइट गुड। एंड ये आपका यहाँ पे साइड में आपके कंट्रोल्स हैं फॉर द विंडोज़,
All right, this is your locking system here. And what else is there? Does it have AC vents? Yeah, it does. It does. I'll just show you the AC vents. Yeah, so right here you can see the AC vents, and also there is a control lower high karne ke liye AC vents here too. So, and you also have, you know, the seat pocket here to keep your stuff and all samaan vaman rakhne ke liye. Aur overall jo mujhe yahan pe bhi aapki space hai phone phone rakhne ki dono side. तो ये इसकी बीच वाली रो आई गेस कंप्लीट हो गई. ऐसा कुछ लुक आता है पीछे से बैठ के फॉर्च्यूनर में. तो आई गेस दैट्स इट फॉर योर रेयर सीटिंग एंड लेट्स मूव टू द थर्ड रो. सो रेयर सीटिंग मैं बोलूँगा कि यार अल्काजार में और इनोवा क्रिस्टा में थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है. हालांकि जैसा कि मैंने बोला कि गाड़ी का जो पर्पस है उसके हिसाब से काफ़ी सही है. सो नो कंप्लेंट्स ऑन दैट पार्ट. और मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाली जो को ड्राइवर की सीट है उसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ. सो आई जस्ट पुल दिस स्लाइटली अहेड. सो या सो दैट विल क्रिएट मोर रूम. यहाँ भी काफ़ी अब रूम है. सो किसी नॉर्मल इंसान के लिए इट्स गुड इनफ. एंड अब देखिए यहाँ पे काफ़ी रूम हो गया है. तो वही है कि जो इसका जो अंडर थाई सपोर्ट है ना वो थोड़ा सा मतलब कम है. अब मैं थोड़ा सा हेल्दी हेल्दी भी हूँ इसलिए मुझे लग सकता है, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम है. और बीच वाली जो सीट है उसमें आपका सर ऊपर टच हो सकता है अगर आप लंबे हैं. अदरवाइज इट्स वेरी गुड. इट्स यू नो इट्स एब्सोल्युटली प्रीमियम एंड इट्स ग्रेट. सो लेट्स मूव टू द थर्ड रो नाउ. थर्ड रो में जाने के लिए मुझे यहाँ पे एक टम्बल डाउन का ऑप्शन दिख रहा है तो मैं उसको दबा देता हूँ. ऐसे होगा कि ऐसे. अच्छा ये टम्बल डाउन. ओके आई विल जस्ट प्रेस इट. ओके वन इटर्निटी लेटर. भैया ये तो लट वट लगी हुई पीछे. आई थिंक इट टम्बल्स डाउन. ओके ओके आई थिंक आई विल हैव टू ओपन इट फ्रॉम द बैक. ये होता है आप जब पहली बार गाड़ी को देखते हो लाइफ में तो आपको समझ नहीं आता है कुछ. सो आई विल जस्ट ओपन इट. सो यू कैन गेट इन फ्रॉम हियर ऑल्सो इफ यू वॉन्ट. ऑल राइट एंड यू हैव टू सीट्स हियर ऑफकोर्स. इन्होंने बांध के रखा है, मैं चलो बंद ही रहने देता हूँ. बट ऑफकोर्स दीज सीट्स यू नो दे टम्बल डाउन एंड देन टू पीपल ऑफ एटलीस्ट यू नो आई वुड से अप टू 5'8" 9" हाइट कैन ईजिली सिट हेयर. एंड अगर पतलू पतलू लोग हैं तो शायद और चार लोग भी भर सकते हैं. तब भी भैया ये गाड़ी यूज़ होती है फॉर यू नो गुंडाई काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज अराउंड 10 or 12 पीपल कैन सम हाउ फिट इन टू दिस स्पेस. क्योंकि बहुत ज़्यादा है, चौड़ी बहुत है. इट्स वेरी ब्रॉड दिस इंटायर कार. इट्स एक्सट्रीमली ब्रॉड. Like that is a distinct feature of it. कि बहुत चौड़ी है ये. So ये दो seats हैं and these two seats they get tumble down and ये last row है. और भाई साहब ने लट रखी है, थोड़े dangerous भाई लग रहे हैं अपने यार ये. ये बंद, अब बंद हुआ. So again second row में जो मैंने इसको tumble down किया था, इसको मैं सही कर दूँ. इसमें टम्बल डाउन का ऑप्शन जो है वो है कि नहीं है, या फिर इसका चल नहीं रहा है, समथिंग इज रॉन्ग इट सीम्स. एनी वे सो मैंने आपको लेकिन दिखा दिया कि आप बैक साइड से बेसिकली यू नो यू कैन मेक योर एंट्री इन साइड द कार. एंड सो दैट्स इट फॉर द इंटीरियर ऑफ दिस कार. उसके बाद हियर यू हैव द फ्यूल टैंक ऑफकोर्स. एंड सो आई गेस द इंटायर car has now been covered. क्या लगती है गाड़ी है. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. इवन इफ इट्स अ 2016 मॉडल इट्स डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन टू बाय सेकेंड हैंड. इफ़ यू हैव अ बजट ऑफ रुपीज 15 to 16 lakhs बहुत अच्छा ऑप्शन है. आई थिंक वन कैन गो फॉर इट. मैंने आपको पूरा रिव्यू दिखाई दिया है. अब मैं बस आपको गाड़ी के थोड़े लुक्स दिखा रहा हूँ एंड वी विल एंड द वीडियो विद दिस. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस.